तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ राजेश शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी, संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ जिला नरसिंहपुर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ज़्यादा जानकारी के लिए, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को 13 तारीख को एक आदेश आ गया था, फिर इसके बाद में एक 22 तारीख को आदेश आ गया, और इसके बाद में एक 25 तारीख को आदेश आ गया दोस्तों। लेकिन जब लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश है कि जो पूर्व पैनल है यानी पुराने अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं उनको ही रखा जाए, लेकिन फिर भी जो प्रधान अध्यापक प्राचार्य नहीं रख रहे हैं अतिथि शिक्षकों को, कुछ ना कुछ बहाना देकर उनको बाहर निकाल रहे हैं। आज एक अतिथि शिक्षक बहन का फ़ोन आया था, उसका स्कोर कार्ड 195 195 था और सामने वाले का 175 यानी 175, लेकिन फिर भी उस लड़की को नहीं रखा। बोल रहे थी सर मैं क्या करूं। तो इस तरह की अपडेट आ रही है दोस्तों, और ये अपडेट देखिए, जिला उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र नेमा, जिला अध्यक्ष एस के सोनी, इनका मोबाइल नंबर है दोस्तों, और प्रीति है, जिला कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। विषय इन्होंने रखा है अतिथि शिक्षक रखने हेतु DPI के 13 जुलाई के आदेश क्रमांक 320 के अनुसार जिले के विद्यालयों में पूर्व में कार्यरत शिक्षकों को आमंत्रित करने बाबत। दोस्तों जब आदेश आ चुका है और उसमें साफ साफ लिखा है कि पुराने अतिथि शिक्षकों के लिए प्राथमिकता दी जाए, और अगर पुराना अतिथि शिक्षक काम नहीं कर रहा है तो दूसरे नंबर के अतिथि शिक्षकों को बुलाया जाए, और या जहाँ पर जो जगह अभी रिक्त हुई है वहाँ पर नए अतिथि शिक्षकों को रखा जाए। लेकिन आदेश को नहीं मान रहे हैं दोस्तों प्रधान अध्यापक और प्राचार्य, तो इसके अकॉर्डिंग ये इन्होंने एक ज्ञापन दिया है और ये निकाला है अपडेट। संदर्भ है विशेष माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा दिनांक 11/10/2018 को दिए गए निर्णय की कांडिका 27(3) के अनुसार विद्यालय में उपलब्ध पैनल से गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए। अब इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं, आदेश में भी लिखा है। तो क्या किसी का स्कोर कार्ड अगर 50 भी है और 60 भी है, तो पुराना जो है दोस्तों, पुराना अतिथि शिक्षक अगर उसका स्कोर कार्ड 60 या 70 भी है तो उसको ही रखा जाएगा। आदेश में साफ साफ लिखा है, आप इस लाइन को, ये आदेश की ही लाइन है, कोर्ट की लाइन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। संदर्भ दिया है माननीय उच्च न्यायालय यानी जबलपुर के द्वारा दिनांक 11/10/2018 को दिए गए निर्णय की कांडिका 27(3) के अनुसार विद्यालय में उपलब्ध पैनल से गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जाएगा। अगर कोई भी प्रधान अध्यापक प्राचार्य अगर नहीं मानता है तो होना पड़ेगा सस्पेंड, और आज एक तो हो ही चुके हैं सस्पेंड, इसलिए जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनको रख लिया जाए महोदय। और ये इन्होंने कलेक्टर और DO के लिए लिखा है दोस्तों, महोदय जी उपरोक्त विषय एवं संदर्भ विशेष के अनुसार निवेदन है कि जिले के अनेकों संकुलों, प्राचार्य एवं प्रधान पाठकों द्वारा पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को आदेश के अनुसार आमंत्रित कर लिया गया है। वहीं अनेकों संकुल प्राचार्य एवं प्रधान पाठकों द्वारा अतिथि शिक्षकों को बुलाया नहीं जा रहा है, वे जिला शिक्षा प्रशासन की ओर से किसी मौखिक आदेश का हवाला दे रहे हैं। कहीं कहीं आदेशों के अनुरूप पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक आवश्यकता होने पर भी आमंत्रित नहीं किए जा रहे हैं। पोर्टल पर पद प्रदर्शित ना होना अथवा पोर्टल पर ज्वाइनिंग ना होना अथवा उच्च कार्यालय का उचित मार्गदर्शन ना होना बताया जा रहा है। पोस्ट कोरोना सिचुएशन में स्कूल अतिथि शिक्षकों के सभी प्रकार से हालत बदतर बने हुए हैं। ऐसी में DPI के आदेश अनुसार एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के अतिथि शिक्षक रखने संबंधी आदेशों की रोशनी में समय सीमा में तत्काल सेवा में आमंत्रित करना चाहिए, ताकि कुछ राहत मिले और मानसिक उत्पीड़न इत्यादि से मुक्ति मिल सके। धन्यवाद। साथ में पीड़ित अतिथि शिक्षक एक दीपक दुबे, अरविंद धाकड़, वीरबल पटेल, अखिलेश नामदेव और दीपक दुबे संस्कृत, नीलेश, इन्होंने नाम दिए हैं जो जिनको नहीं रख रहे हैं, और इन्होंने आवाज़ उठाई है, और हर एक मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक आवाज़ उठा रहा है, आवाज़ उठाता रहेगा। लेकिन इस तरह का जब आदेश आ जाता है दोस्तों, जो पुराने प्रधान अध्यापक हैं उनको क्यों नहीं हटाया जाता? उनका स्कूल का रिजल्ट तो 10% भी नहीं है कई स्कूलों का, लेकिन उनके साथ में क्यों कुछ नहीं किया जाता? मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक एक गरीब हताश अतिथि शिक्षक है, इसलिए मैं सभी, अगर मेरी वीडियो जो भी देख रहा हो, सभी जिला शिक्षा अधिकारी और सभी संकुल प्राचार्य और सभी प्रधान अध्यापकों से निवेदन है,
के सभी आदेश का पालन करें और पुराने अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता दें। अगर कोई पुराने अतिथि शिक्षक से गलती हुई है तो उसे अवसर दें सुधारने की, उसे चेतावनी दें, वार्निंग दें कि आपको ये करना है, तो अतिथि शिक्षक हर बात आपकी मानेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।